अमजद हुसैन और आप हैं इस वक्त सिटी 24 न्यूज के संग हर पल नई खबर। गोपालगंज सदर अस्पताल में बच्चे को बदलने का मामला सामने आया है। यूपी के तमकुही के रहने वाले सुनील कुमार की पत्नी अपने मायके माझा के गौसिया आई थी। वह कल शुक्रवार को परिजन लेकर सदर अस्पताल गोपालगंज आए, जहां उसे नॉर्मल स्वस्थ बच्चा हुआ, लेकिन डॉक्टर ने उसे SNCU में भर्ती करने को कहा और जांच के नाम पर परिजनों से 1000 रुपये भी ले लिए और आज परिजनों को एक बीमार बच्चा देकर इलाज के लिए बाहर जाने को कहा। इस पर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में मेरे बच्चे को बदल दिया गया है। मौके पर पुलिस परिजनों को शांत कराकर जांच में जुटी। जांच के बाद पुलिस ने बदले गए बच्चे को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया। बाद में मूरत चिकित्सा पदाधिकारी मीडिया को देख अस्पताल में भर्ती लोग कहने लगे कि इस अस्पताल में जांच के नाम पर 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की वसूली होती है। अवैध वसूली का अड्डा बना हुआ है यह गोपालगंज सदर अस्पताल। जांच के लिए मैं 800 रुपये 750 दिए हैं, ठीक है। फिर उसको बयान मेरा 300 दिए हैं और उसके बाद 200 लिए हो गया। बदलने का मामला नहीं है। जो बच्चे बदले गए थे दोनों पुत्र हैं, मेल चाइल्ड हैं। एक आशा आई हैं और उनके अभिभावक को लगा कि इस अस्पताल में अच्छा नहीं इलाज हो रहा है, वो बच्चे को लेके प्राइवेट में जाने के क्रम में जल्दीबाजी में दूसरे बच्चे को लेके गए। हाँ, जो माना जाए अगर वो जो लेके गए उसके बाद ये लोग फ़ोन किया, जो आशा का फ़ोन नंबर मालूम था उस बच्चे को फ़ोन लेके गई हैं तो लेके आई। तब बच्चा जो गलती से दूसरे बच्चे को लेके गई थी लौटा दी और ये लोग मामला ख़त्म। अब आपका दूसरा सवाल है कि पैसा लेने का। मैं बार बार सब जगह मैं लिखवा भी रहा हूँ और 1 अप्रैल से सघन रूप से मैं इसको देखूंगा कि सभी को मालूम है कि सरकारी अस्पताल में पैसे नहीं लगते, फिर भी कुछ पब्लिक पैसे देते हैं और पैसे देने के बाद कंप्लेन करते हैं। तो मेरा एक सुझाव है प्रेस के तरफ से भी, सबके तरफ से भी, कि ये भी प्रेस में दें और लोगों को बताएं कि सरकारी अस्पताल में पैसे नहीं लगते हैं। अगर कोई नर्स ज्यादती कर रही हैं तो मैं उस पर कार्रवाई अवश्य रूप से करूंगा, बशर्ते कि मुझे लिखित रूप से। सिटी 24 न्यूज के लिए गोपालगंज से अजीत जय तिलक की रिपोर्ट।